जी 10th क्लास, गुड मॉर्निंग बेटे। ड्यूरिंग द जूम क्लास थोनू थोड़ी टीचर्स मेकिंग ऑफ द अर्थ दी चैप्टर रीडिंग करवा देंगे बेटा, वो मैं भी आपके बच्चों को करवाता है। हुन मैं थोनू थोड़े नाल क्वेश्चंस डिस्कस करन लगी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेकिंग ऑफ द अर्थ चैप्टर दे विच कि व्हाट आर द प्लैनेट्स, द हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स, व्हाट इज सोलर सिस्टम, द प्लैनेट्स सन एंड द प्लैनेट मेक अ सिस्टम विच इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, वट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट, स्टार की बेटा आपकी लाइट होंगी है, स्टार ट्विंकल करते हैं, स्टार बहुत ज्यादा होंगे है, उन्होंने हाई टेंपरेचर होंगे है तो बहुत दूर होंगे है। ये उल्ट ऑन द कंट्रेरी प्लैनेट्स की आपकी लाइट नहीं होंगी बट वो रिफ्लैक्ट करते हैं सन की लाइट, फिर दे डू नॉट ट्विंकल, दे हैव लो टेंपरेचर एंड दे आर नियर टू अस, they do not planet does not have। हाँ जी, देखो a star has its own light, a planet does not have light of its own, it shines by reflecting the light of the sun, stars twinkle at night, planets do not twinkle, stars have high temperature, planets have low temperature, stars are very far away, planets are much nearer to the earth as compared to the stars। दैन फोर्थ क्वेश्चन है बेटे कि स्टार्स आपां ट्विंकल करते क्यों दिखते हैं, स्टार्स सीम टू बी ट्विंकलिंग वैन द रेज ऑफ स्टार्स पास थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर। नैक्सट क्वेश्चन, अर्थ किमें बनती है, द अर्थ शॉर्ट आउट फ्रॉम द सन, इन द बिगनिंग इट वॉज वेरी हॉट, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कूल डाउन। दैन ओशियंस किमें बनते हैं, द अर्थ टुक मिलियन ऑफ ईयर्स टू कूल डाउन, आफ्टर इट कूल डाउन the water vapors condensed into water, the rain filled all the hollows of the earth and thus the oceans and seas were formed। next question hai bete ki the earth looks bigger than the earth because it is quite near to the earth। okay, question hai ki kyon apan nu moon बिग दिखता है स्टार्स तो, द मून लुक्स बिगर दैन द स्टार्स बिकॉज इट इज क्वाइट नियर टू द अर्थ। दैन लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा कि एक थोनू क्वेश्चन सीगा कि मेकिंग ऑफ द अर्थ, हाउ द अर्थ इज फॉर्म, उहदे विच फर्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा वड्डा लिखिया है तुसीं इही क्वेश्चन उहदे विच एड कर सकदे हो फिफ्थ वाला। दैन सैकेंड क्वेश्चन है ये थोड़ी बुक दे कि ओशियंस किवें बने, द सन हैज इट्स ओन प्लैनेट्स and the planets have their satellites, all these form a happy family, they are called the solar system, solar system belongs to sun, sun is the father of all planets, therefore whole group is called solar system। okay beta, long question, this is the solar system, a question jehda likhya hoya hai a answer hai solar system de question da, jehde tonu book te long questions de hai oh already apne short questions se cover ho gaye isliye dobara nahi likhe। इधर देखो द मेकिंग ऑफ द अर्थ जेड़ा क्वेश्चन है वो थोड़ा आंसर नंबर फिफ्थ है, एंड सेकंड क्वेश्चन जेड़ा लॉन्ग है ये हैप्पी फैमिली वाला है, तुसी इत्थे ए वेले आंसर लिखते हो हैप्पी फैमिली बारे डिस्कस करना ऑफ द सन, इत्थे आ सेकंड क्वेश्चन तुसी इत्थे डिस्कस कर लियो। तो अगर आ जाता है हाउ द ओशियंस आर फॉर्म दैन तुसी ये सिक्स्थ आंसर लिखोगे। आई होप ये क्लीयर है बेटे थोनू क्वेश्चंस, तुसी आपकी कॉपीज से इन्हां नूं नोट डाउन कर लो एंड दैन लर्न कर लो। थैंक यू सो मच एवरीबडी। एंड सैकेंड थिंग बेटे इदू बाद थोनू जेडे चैप्टर्स है रूल ऑफ द रोड ते एक पोइम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, एक सप्लीमेंटरी का चैप्टर रह गया, ये सारिया थोनू वीडियोज पाऊंगी मैं, इस करके नोटिफिकेशन आजूगा थोनू, प्लीज उन्हू सबसक्राइब कर लो ते बैल बटन जरूर प्रेस कर दियो, फिर ही थोड़े को नोटिफिकेशन टाइमली आऊगा। थैंक यू एवरीबडी।